स्क्रिप्ट से कुछ नॉनवेज में ऑर्डर किया था, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये है चिकन कीमा और ये है चिकन ड्रमस्टिक। ये मैंने एक ऑर्डर किया था ब्रेडेड फिश फिंगर्स, जिसमें 8 पीस आपको आता है और ये बहुत ही टेस्टी होता है। और फाइनली पॉम्फ्रेट, इसको आज मैं फ्राई बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे पॉम्फ्रेट फ्राई करती हूँ। के साथ मैंने मंगवाया है लेट्यूज और रेड कैबेज और ये बर्गर बन। ना हरा हरा लग रहा है ना, ग्रीनिश ग्रीनिश बहुत ही अच्छा दिख रहा है, फ्रेश है पूरा। इसको मैंने ऑलरेडी धो दिया है, अभी फ्रिज में रख लूंगी। तो अभी चलिए बनाते हैं चाय, और देर किस बात की। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभी खड़ी हूँ किचन में, तो अभी मैं चाय बनाने वाली हूँ क्योंकि अभी 5:15 ऑलमोस्ट हो गया है। और अभी चाय के साथ क्या नाश्ता बनाऊँ आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोच रही पोहा फ्राई कर लेती हूँ प्याज के साथ और उसमें नमकीन मिला के खा लेते हैं थोड़ा बहुत। और रात को मैं बनाऊँगी आज पॉम्फ्रेट फ्राई, तो आपके साथ भी शेयर करूँगी कैसे मैं बनाऊँगी। और क्या, तो चाय बनाते हैं पहले फिर बात करती हूँ। और फिश फ्राई के लिए हमें आधे घंटे या 1 घंटे से पहले उसको मैरिनेट करना पड़ेगा, तो उसको भी मैरिनेट कर लेंगे। आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये जो 3 कप है देख रहे हैं कितना कलरफुल है। ये 3 कप मैंने लिया था, हमारे घर के पास एक ऑरेंज करके एक मॉल था, छोटा सा मॉल था, वो बंद हो गया फिर, उसमें से लिया था मैंने। एक को लिया था 60, मतलब 1 कप को 60 लिया था। और ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं ये देखने में। और ये जब भी मैं घर में कस्टर्ड बनाती हूँ ना, मैं इसी से ही खाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे यही मतलब कस्टर्ड इसी में खाने का बहुत मन करता है, और इसी में ही मैं खाती हूँ। जो भी हमारे घर आते हैं गेस्ट, में इसी में ही कस्टर्ड देती हूँ उनको। और ये माइक्रोवेव सेफ भी है, लेकिन मैंने कभी माइक्रोवेव किया नहीं है। ज़्यादातर प्लास्टिक में मैं माइक्रोवेव नहीं करती हूँ, लेकिन ये आप कर सकते हो। ये मैंने नेट में भी देखा हुआ है, अमेजोन में भी है ऐसा वाला, लेकिन ये बहुत ही कलरफुल लगा मुझे। ये 3 कलर मेरे फेवरेट हैं, तो ये 3 कलर में ले आई। इसको रख लेते हैं। अभी मैंगलोर में हमारे कोई भी ऐसे फ्रेंड्स, मतलब जो भी क्लोज फ्रेंड है ना, वो कोई भी नहीं है। अभी सारे घर में ही काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो सारे उड़ीसा चले गए। तो पता नहीं, हम लोग तो यहाँ पे है, कभी सोचा नहीं जाने का, लेकिन देखते हैं। चाय रेडी है, मैं मेरे हस्बैंड को देके आती हूँ, फिर मैंने पोहा भी चढ़ा लिया है, इसको फ्राई करेंगे। मुझे ज्यादा भूख नहीं है आज, थोड़ा ही खाऊंगी। इसको फ्राई करेंगे, मैं चाय देके मेरे हस्बैंड को आती हूँ। अभी पोहा फ्राई हो गया है, अब इसको प्याज डालती हूँ। अभी पोहा जो बनाएंगे आप, इसमें अगर आप घी का तड़का लगाएंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़ा सा डालती हूँ,
गरम हो गया है, अभी हम थोड़ा सा जीरा डालते हैं। कड़ी पत्ते, पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा नमक, चाय बिल्कुल ठंडी हो गई है अभी। हो गया है, अभी पोहा डाल लेते हैं। अब इसी में मैं डाल लेती हूँ डालमोट। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं या सूखी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। तो अभी चाय स्नैक्स खत्म। मैं चीज आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ऑर्डर किया था लैक्मे का काजल, जो कि ट्विन पैक है और इसमें दो काजल है। और इसका ओरिजिनल प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 310, लेकिन ये मुझे मिला 220 में। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, ये फ्लिपकार्ट से मैंने लिया है। और ये इसका जो काजल है ये वाटरप्रूफ है, और इसमें लिखा है सुइटेबल फॉर कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स, एंड ये 22 घंटे तक ये रहता है काजल। बहुत ही अच्छा काजल है लैक्मे का, तो ये आप ले सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी तो 6 बजने को है, अभी मैं दिया जला लूँगी भगवान के पास, फिर हम जाएंगे वॉक करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगी, फिश को मैरिनेट कर लूँगी और रोटी भी बना दूँगी, सुबह वाला करी है। और फिश फ्राई नहीं, पहले जाएंगे वॉक करने के लिए हस्बैंड और मैं, उससे पहले मैं मैरिनेट कर लूँगी फिश को, फिर आके पहले फिश फ्राई करेंगे और खाएंगे, उसके बाद मन करेगा तो डिनर करेंगे, नहीं तो नहीं, स्किप कर लेंगे आज। तो यही है आज का प्रोग्राम, अब देखते हैं क्या हो रहा है। अभी हम फिश को मैरिनेट करेंगे, इसके लिए मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, नमक, कोरिएंडर पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, फिर थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स, नींबू का रस, बस इतना ही लेंगे, इसको मिला देंगे। इसमें पानी मत डालिएगा, ये नींबू का रस में ही आपको ये मसाला ही फिश में लगाना है।
इसको मैंने चीरा लगा दिया है, कट कर लिया है दोनों तरफ से, ताकि ये अच्छे तरह से इसमें हम मसाला लगा सके। ना अच्छा लग रहा है। अब इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, फिर इसको फ्राई करेंगे। अभी 45 मिनट्स हो गया है। मैंने यहाँ पे एक ड्राई मिक्सचर लिया है, तो ये इसमें है रावा और बेसन, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे नमक डालती हूँ। इसको मिला लेते हैं। इसको अभी हम जो मैरिनेट किए थे जो फिश, इसमें दोनों साइड से हम कवर कर लेंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, फिश को लिया और एक्सेस जो है हमारे पास, जो कवर, जो भी एक्सेस इसमें कोटिंग है वो झड़ जाएगा। अभी तेल में, तेल एकदम गर्म है, अभी तेल में मैं इसको फ्राई कर लूंगी। पहले इसको मीडियम आंच में आप कीजिएगा, पूरा धीमी आंच में मत कीजिएगा। एक बार पलटने के बाद थोड़ा हम धीमी आंच कर लेंगे। पलट लेंगे। अभी ये हो चुका है पहला वाला हमारा, इसको निकाल देते हैं। अब देख सकते हैं कितना अच्छा बना है फ्राई। रेडी है। तो अभी आप देख सकते हैं फिश फ्राई रेडी है। अभी हम इसको जाते हैं खाने, और मुझे लग रहा है आज हम डिनर नहीं खाएंगे इसके बाद। तो मिलती हूँ मैं फिश फ्राई खाने के बाद। वाओ,
अब मछली तो खा ली, फिर उसके बाद जो धोना पड़ता है सारा कुछ, वही दिक्कत है। अभी ये सारा बर्तन मैं साफ कर चुकी हूँ, अभी ये वाला मैं साफ करूँगी, ये वाला पोर्शन, क्योंकि जब भी मछली होता है वो छींटे पड़ते हैं और ये पूरा साफ करना पड़ता है मुझे। खाली फिश ही खाए हम लोग आज, और डिनर स्किप कर लिए, रोटी वोटी कुछ नहीं खाए, सिर्फ फिश भी बहुत हेवी था। तो उसके बाद मैं पी रही हूँ गर्म पानी में नींबू डाल के, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, हेवी हेवी नहीं लगेगा। तो लेकिन एक बात है, फिश बहुत ही टेस्टी था, अभी इस तरह से बना के खाइए। और मुझे लग रहा है आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।